हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स। में फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसमें डिप्लोमा और बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। सो ये फ्रेशर्स इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है, कोई भी एप्लीकेशन फी पे नहीं रखा गया है। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्योर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्योर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाके डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल इंट्रोडक्शन की तरफ। तो फ्रेंड्स, यही इसका ऑफिशियल इंट्रोडक्शन जो आप लोग देख पा रहे हो, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की तरफ से निकल कर आ रही है, जो एक PSU है और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोग को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, यहीं पे ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटाइज के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें फर्स्ट है ग्रेजुएट अप्रेंटाइज के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग सिविल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल डिसिप्लिन में से 4 साल का BVTech किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 20 है। नेक्स्ट है टेक्नीशियन अप्रेंटाइज के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग सिविल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल डिसिप्लिन में से 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 13 है। एज लिमिट यहीं पे 18 ईयर्स लेके 30 ईयर्स तक रखा गया है। उसके अलावा अगर आप लोग SC ST OBC कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। ग्रेजुएट अप्रेंटाइज वालों के लिए आप लोग को स्टाइपेंड 10,000 पर मंथ मिल जाएगी और टेक्नीशियन अप्रेंटाइज वालों के लिए आप लोग को स्टाइपेंड 8,500 पर मंथ मिल जाएगी। अप्रेंटिसशिप का ड्यूरेशन 1 ईयर तक रहेगी। अगर आप लोग आपके BVTech और डिप्लोमा पे फाइनल ईयर पे हो तो आप लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आप लोग के पास 1 साल का एक्सपीरियंस है या तो 1 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई नहीं कर सकते हो। और अगर आप लोग इसके पहले कोई भी अप्रेंटिसशिप वगैरह की हो तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। उसके अलावा इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग 2021-22 और 2023 में आपके डिप्लोमा और BVTech पास आउट किए हो तो ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जो लोग 2021 से पहले डिप्लोमा और BVTech पास आउट किया है वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। सिलेक्शन प्रोसेस में आपके BVTech और डिप्लोमा में जितना भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स है उसके बेसिस पे आप लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसमें कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं रखा गया है। इसमें अप्लाई करने के लिए फर्स्ट आप लोग को MHRD नेटपोर्टल पर जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग को इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी वेबसाइट में विजिट करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आप लोग को उसको प्रिंटआउट करना है, और प्रिंटआउट करने के बाद उसके साथ आपका क्लास 10 का जो सर्टिफिकेट है, उसका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, उसके साथ आपका BVTech और डिप्लोमा का जो भी मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स है उसका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, अगर आप लोग SC ST OBC कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, और EWS कैंडिडेट्स के लिए इनकम सर्टिफिकेट का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, इन सभी डॉक्यूमेंट्स का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आप लोग को उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके एक एनवेलप बनानी पड़ेगी, और उस एनवेलप के ऊपर आप लोग को मेंशन करना होगा एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटाइजेस। ये मेंशन करने के बाद आप लोग उस एनवेलप को इनका जो ऑफिशियल एड्रेस है मेंशन है, आप लोग उसी एड्रेस पे 25 अगस्त 2023 से पहले स्पीड पोस्ट या तो कुरियर के थ्रू पे सेंड करना होगा। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के लिए लास्ट डेट आ गया है 15 अगस्त 2023। एप्लीकेशन फी की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे अप्लाई करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है, हर एक कैटेगरी के लिए फॉर्म कम्प्लीटली फ्री है। तो फ्रेंड्स, यही इसका कम्प्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन। आई होप आप लोग को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल ट्यूशन का PDF ना टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक और इसमें अप्लाई करने का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जरूर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।